खबर बिलासपुर से, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है। पानी से भरे गड्ढे गुरुवा में ट्रैक्टर पलट गया है और उसमें दबकर सभी 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। काम से वापस लौटने के दौरान ये घटना घटी है। बिजली विभाग का ये काम करते थे सारे मजदूर और ठेकेदारी की लापरवाही से, यानी कि ठेकेदार की लापरवाही से मजदूरों की मौत बताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही से ही इन मजदूरों की मौत हुई है। हर्री क्षेत्र में देर रात को ये हादसा हुआ है और आपको बता दें कि ये जितने भी मजदूर हैं वो कूनी क्षेत्र के नंदकमा गांव के रहने वाले हैं और देर रात हुए इस हादसे में कड़ी मशक्कत के बाद जब तड़के सभी मजदूरों के शव निकाले गए और गड्ढे से उनको बाहर निकाला गया। शैलेंद्र पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र, जिस तरह सबसे पहले बात निकलकर सामने आ रही है कि जो सड़क हादसे में 5 मजदूर की मौत हुई है उसमें ठेकेदार की लापरवाही बताई जा रही है, तो क्या कुछ लापरवाही ठेकेदार की जिसकी वजह से हादसा हुआ? ये ठेकेदार की लापरवाही है। रात में मजदूर जो है विद्युत मंडल का विद्युत विभाग का काम करके लौट रहे थे और देर रात बारिश बहुत तेज थी, उस दौरान जो है ट्रैक्टर में सारे मजदूर को ठेकेदार ने भेज दिया और जो ठेकेदार है जो तो ड्राइवर नहीं था वो नया नौसिखिया था, वो तो सीसीटीवी भी रोड है गुरुआ जो गाँव में जनरली होता है तो गुरुए में ट्रैक्टर जो है बारिश के कारण पलट गई और जो सर्विस वायर था वो ट्रैक्टर में फंस गया जो गाँव का सर्विस पर, उसके चलते पूरा जो ट्रैक्टर है वो पलट गई, गुरुआ में पलट गई और पानी के अंदर चले गई, तो पानी वहां से खाली किया गया। रात में बॉडी सब अंदर थी और सवेरे तड़के निकाला गया है बॉडी को और पुलिस के और जो जिला प्रशासन के लोग हैं वो वहां मौजूद है। वहां पर ठेकेदार के खिलाफ पुलिस अधिकारी ये बता रहे हैं कि इस मामले में जो लापरवाही है वो ठेकेदार के खिलाफ दिख रही है, संरक्षण उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और इसमें जो वहाँ गाँव के लोग जो मृतक परिजन है वहाँ इकट्ठा हो रहा है उनका ये मुआवजे की मांग कर रहा है कि उसको जो मजदूर मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब नौसिखिया ड्राइवर के हाथ में अगर वो उसको गाड़ी को नहीं दिया जाता तो निश्चित रूप से ये घटना नहीं घटती और जो बिजली का सर्विस वायर है अगर वो भी निश्चित रूप से सही लगा होता तो उसके कारण जो ट्रैक्टर में फंसा और उसके बाद जो पलटी हुई ट्रैक्टर पलट गया गुरुवार और क्योंकि पानी बहुत तेज था तो जो बॉडी है पूरी से बंदर चले गई, तो पानी खाली करने के बाद जो डेड बॉडी निकाला गया। अभी कार्रवाई फिल्म क्या लगता है जिस वक्त हादसा हुआ ऐसा माना जा रहा है सारी चीजों पढ़ने के बाद से लग रहा है कि क्या लगता है जब वो हादसा हुआ यदि समय रहते यदि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच जाती या पुलिस की टीम पहुंच जाती या रेस्क्यू टीम पहुंच जाती तो मजदूर की जान बच सकती थी, लेकिन जब आपने बताया कि तड़के ये पता चला कि एक ट्राला पलटा हुआ है और उसके बाद लोगों को निकाला तो तब उनकी मौत हो चुकी थी। निश्चित रूप से घटना अगर तुरंत बाद इस तरीके की सूचना पुलिस को मिलती, पुलिस की जो टीम है वो जिला पुलिस की टीम है, यदि पुलिस की टीम अगर मौके पर पहुंच जाती है और जिला प्रशासन की टीम अगर मौके पर, हालांकि ये सब तो रात पहुंचे देर रात पहुंचे उसमें जो पानी निकाला गया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अगर तुरंत ये जो प्रशासन का अमला अगर पहुंच जाता तो निश्चित रूप से वो मजदूर बन सकते थे और उनकी हालत बताई जा सकती थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पाठक इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि घटना हिरी थाना क्षेत्र की, जहां पर ग्राम पंचायत अटर्रा में बिजली का तार खींचने का काम चल रहा था और ठेकेदार ने यहां पर पंचायत भवन को स्टोर बना रखा था जहां पर काम में लगे वाहनों के साथ ही मजदूर के रहने की व्यवस्था थी। मजदूर रोज सुबह से यहां गुजरते हैं काम करने के लिए, शाम को आकर ठहरते हैं, वहीं रविवार की रात वापस साइट पर लौट रहे थे तभी ये हादसा हुआ। एक और बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर रिटायर्ड